अस्सलाम जी, गाड़ी हमारे सामने है, सुजुकी लियाना है ऑटो मिडक। जितने भी लोग ऑटो की रिक्वेस्ट करते हैं भाई, ऑटो गाड़ी को ऐड करें लियाना में भैया, बड़ी मुश्किल से मिली है। मैं ऐड कर रहा हूँ 2007 का मॉडल है, और गाड़ी की कंडीशन आउट साइड से कह सकते हैं यार कि टचअप हो, फिर मैं उन्होंने के साथ मिलकर मज़ीद भी आप लोगों से डिटेल जो है शेयर कर दूँगा। टायर्स वगैरह की बात करें तो अलॉय में हमें देखने को मिल रहे हैं टायर्स में, तकरीबन कह सकते हैं 60% के आसपास टायर्स इस गाड़ी के जो गुड कंडीशन में मौजूद हैं, और स्क्रीन बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बोनट से गाड़ी कुछ इस तरह से भाई, लाइट्स वगैरह चेक कर लें इस गाड़ी की, सेकंड लाइट देख लें इस गाड़ी की। 2007 की सुजुकी लियाना है ऑटो, 1300 cc 1.3 के इंजन में, और ये इस गाड़ी की साइड लुक्स हैं। साइड से आप लोग गाड़ी को चेक करते चलें, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं, कहीं स्क्रैचेस नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। आ जाते हैं बैक साइड की तरफ, इस गाड़ी की बैक साइड की लाइट्स हैं, बैक कैमरे का ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बैक साइड से मार्शल से गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, बैक स्क्रीन बिल्कुल साफ है इस गाड़ी की। ये इस गाड़ी की जो है पैसेंजर साइड की लुक, ये भी चेक कर लें, कहीं से स्क्रैचेस नहीं है, बॉडी वाइज मार्शल से परफेक्ट कंडीशन में है गाड़ी ये। अच्छा, तो ऑटो लियाना की काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऑटो लियाना ऐड करें। सील बाय सील गाड़ी ये टोटल आप लोगों को जनरल मिलेगी, लेदर का वगैरह सीट्स पे लगी हुई हैं, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा ये फ्रंट वाला डोर, यहाँ से भी देख लें सील्स बिल्कुल जनरल में मिलेंगी। ऑटो ट्रांसमिशन में LCD पैनल वगैरह एक लगा हुआ है इस गाड़ी में, इंटीरियर भी इस गाड़ी का साफ है, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह नहीं करवा के आया भाई, लेकिन गाड़ी बिल्कुल साफ थी। हाँ यार, साफ सुथरी गाड़ी, सर्विस नहीं, आपने सर्विस नहीं करवाई गाड़ी, ख्याल में जैसे लेके आए हैं उसी तरह ही खुला हुआ है। अच्छा जी, तो ये 1.3 के इंजन में है, ड्राई बैटरी वगैरह इस गाड़ी में लगी हुई, इंजन रूम टोटल इस गाड़ी का जर्मन मिलेगा। ऑटो ट्रांसमिशन में सुजुकी लियाना 2007 का ये मॉडल है, गाड़ी माशा से बिल्कुल साफ सुथरी है। सील्स आप लोग चेक कर लें गाड़ी की, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये इस गाड़ी का जो है ड्राइवर सेट वाला एरिया वो भी दिखाया था, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलते हैं, प्राइस क्या गाड़ी की वो भी आप भाई चेक कर देते हैं। ये इस गाड़ी की डोर्स हैं, इंटर क्लीनिंग की ज़रूरत है इस गाड़ी में, बाकी गाड़ी वैसे साफ है। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या डिमांड रखी इस गाड़ी की आपने? सर डिमांड तो इसकी 12 लाख रुपए है, लेकिन ये फाइनल जो दे दूंगा फाइनल ये 11 लाख 10 हज़ार में, गाड़ी में कोई काम नहीं है। 12 की डिमांड है, 11-10 में फाइनल गाड़ी देंगे, गाड़ी में कोई काम नहीं, सस्पेंशन इंजन वाइज कोई किसी किस्म का काम नहीं, अपना इंजन है, 1300 इंजन है, ऑटो गाड़ी है। ऑटो में इसकी पेट्रोल एवरेज क्या रहती है? पेट्रोल माशाल्लाह इसका एवरेज आप सुनोगे तो माशाल्लाह खुश हो जाओगे, तकरीबन 13-14-15 तक दे रही है शहर के अंदर, मसाला पेट्रोल में बहुत अच्छी एवरेज दे रही है। डॉक्यूमेंट्स में क्लियर है सर? हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ क्लियर का सौदा है, हर चीज़। एसी वर्किंग है इस गाड़ी में? एसी ऑन है, LCD कैमरे, हर चीज़, पावर स्टेयरिंग। बाहर से गाड़ी कंडीशन क्या है? बाहर से देखो हल्की शावर है, अंदर से पूरी जेन्युइन है गाड़ी, मतलब मेजर नहीं है, पोटिंग वगैरह नहीं? नहीं नहीं नहीं, बाहर से हल्की, वो कहीं से वो हल्की शावर होगी। नंबर अपना शेयर कर दीजिए। 0306-3044-843। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है मोहम्मद शबान। शबान भी कहाँ की लोकेशन है? ये मौसमिया चोरेंगी। मौसमिया चोरेंगी, बहुत शुक्रिया। 2007 की लियाना है ऑटो ट्रांसमिशन वाली, 1300 cc, अपने जेन्युइन इंजन में, बहुत अच्छी गाड़ी है, और सिर्फ इंटर क्लीनिंग की ज़रूरत थी इस गाड़ी में, सर्विस करवा के नहीं लाए भाई, बाकी गाड़ी माशाल्लाह साफ़ सुथरी है, टायर वगैरह भी अच्छे हैं इस गाड़ी के, रिम वगैरह लगी हुए हैं, LCD पैनल वगैरह भी है, AC वगैरह ऑन है इस गाड़ी का, पेट्रोल एवरेज भी अच्छी रहती है इस गाड़ी की, बाकी 11-10 में आपने गाड़ी जो है फाइनल मिल जाएगी आपको, 12 के वैसे डिमांड कर रहे हैं भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये एल्टो हमारे सामने है, 2003-2004 का ये इस गाड़ी में नंबर लगा हुआ है, 2003 का वैसे एंड है, 4 का नंबर है इस गाड़ी में, गाड़ी साफ कंडीशन में है, छद्दी की बोनट से गाड़ी आपको ये जेन्युइन मिल सकती है, बाकी साइडें इस गाड़ी की टचअप कह सकते हैं। टायर्स की बात करें तो चारों टायर्स आप लोग को जो है न्यू इंस्टॉल मिलेंगे इस गाड़ी में, नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर्स गाड़ी के अंदर लगे हुए सुजुकी के। ये इस गाड़ी की विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन भी गाड़ी की जो है साफ़ है, बोनट से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, तो गाड़ी की कंडीशन साफ़ है। लाइट से कर लें इस गाड़ी की, बोनट से देख लें इस गाड़ी को, आ जाते हैं इस गाड़ी की जो है साइड लुक की तरफ, यहाँ से देख लें फेंडर इस गाड़ी का, बॉडी वाइज कोई स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे, चारों टायर इस गाड़ी में न्यू हैं, और पूरी गाड़ी में बाहर से विज़िट कराया था, उसके बाद फिर जो इंटीरियर इस गाड़ी का जो है वो विज़िट कराया था। इस गाड़ी की बैक लाइट्स चेक कर सकते हैं, डिगी देख लें, डिगी इस गाड़ी की जेन्युइन लग रही है, और गाड़ी जो है थ्रू आउट गाड़ी पेट्रोल पे है, CNG वगैरह नहीं है इस गाड़ी में, लेकिन मैं रिमूव वगैरह किया हुआ है। बाकी इस गाड़ी की सील्स आप लोग चेक कर लें तो नो डाउट गाड़ी की जो है कीमत जो ओनर कह रहे हैं वो इसकी कंडीशन के हिसाब से है, और पाना चेक वगैरह मौजूद है इस गाड़ी में।
तो लाइट्स इस गाड़ी की दोनों साफ़ हैं, न्यू मतलब कह सकते हैं इंस्टॉल है लाइट्स। ये इस गाड़ी की जो डोर्स हैं, डोर्स नीचे से हल्के फुल्के रीपेंट कह सकते हैं, बाकी अंदर से पूरी जो ऊपर की टॉप साइड होती है वो जेन्युइन में। तो यहाँ से चेक कर लेंगे डोर्स की सील्स। इंटीरियर भी साफ़ है इस गाड़ी का, मॉडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो मॉडल जो इस गाड़ी का ओल्ड है, लेकिन इस गाड़ी की कंडीशन जो है वो आपको 6-7 वाली ही देखने को मिलेगी। ये तो रूम से भी गाड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद है, एसी वगैरह इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर और बैटरी ड्राई लगी हुई है इस गाड़ी में। गाड़ी की जो है कंडीशन के पैसे हैं, अगर और 6-7 की गाड़ी भी आप लोगों को इसी तरह देखने को मिलेगी। गाड़ी की कंडीशन माशाल्लाह से साफ़ है। बाकी पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। सर अपना इंजन है इस गाड़ी के अंदर जी, और पेपर में क्लियर है सर गाड़ी जी, कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज नहीं, एसी ऑन है इस गाड़ी का। एवरेज वाइज क्या रहती है पलेटर के हिसाब से ये गाड़ी? 10-12 देती है पलेटर के हिसाब से। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 033 जी सर 2255-9048। नाम और लोकेशन सर? नबील और शादमान में गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा नबील भाई, इस गाड़ी की डिमांड क्या है वैसे? 7 लाख रुपये। कुछ कमी पेशी अगर सीरियस बायर हो तो? हाँ कुछ हो जाएगी, कुछ कमी पेशी हो जाएगी। ठीक है नबील भाई, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नंबर है सर आपका? 0300-3002-47 जी सर 202। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मुस्तकीम है। मुस्तकीम भाई कहाँ की लोकेशन है जी? लोकेशन सर कहाँ की आपकी? मेरी लोकेशन बंस रोड। बंस रोड की लोकेशन है। इस गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं, कौन सा मॉडल है गाड़ी है? गाड़ी फाइनल देनी है 17,50,000 की, 2006 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। GLI XLI कन्वर्टेड GLI है, ऑटोमेटिक गियर खाली डाला हुआ है। ऑटोमेटिक गियर डाला हुआ है इस गाड़ी में। ठीक है, चिकन वेट GLI है। गाड़ी बाहर से टचअप की कंडीशन है पूरी? गाड़ी शावर तो नहीं है, साइड टचअप है इस गाड़ी की। अच्छा ये तो पूरी गाड़ी की डिटेल तो आप भाई ने सुन ली, बाकी बाइक का नंबर जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये गाड़ी आप लोगों के सामने है, तो गाड़ी मशीन से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, बाहर से गाड़ी टचअप मिलेगी, अंदर से पूरी गाड़ी ये जेन्युइन मिलेगी, देख सकते हैं आप लोग। XLI है कन्वर्टेड टू GLI। एयरबैग्स है इस गाड़ी का जो है वो ऑटो है, मैं आप लोगों को चेक करा दूंगा। टायर्स वगैरह भी इस गाड़ी के बिल्कुल साफ़ हैं, स्क्रीन से भी गाड़ी मशीन से बिल्कुल साफ़ मिलेगी देखने को। चेक कर लें इस गाड़ी को, ये इस गाड़ी के फ्रंट लाइट्स हैं, चेक कर लें लाइट्स में अच्छे से बिल्कुल साफ़ हैं। इस गाड़ी के फ्रंट से ग्रिल साइड है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। तो आ जाते हैं इस गाड़ी के जो है इंजन रूम की तरफ, साथ साथ इंजन रूम भी विजिट करा देते हैं। ये इस गाड़ी का इंजन रूम है 1300cc 1.3। सर अपना इंजन है? अपना ओरिजिनल जेन्युइन इंजन है इस गाड़ी का, और इंजन भी इस गाड़ी का जो है सील्ड मिलेगा, जम साइड की मुतियाँ वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं, और टिकली जड़ भी देख लें इस गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, कोई एक्सीडेंट गाड़ी नहीं माशा से बिल्कुल। जो पट्टियाँ होती हैं इस गाड़ी की वो जेन्युइन में आप लोगों को मिलेगी। बाकी बोनट की सील्स भी आप लोग चेक कर लें, ये चीज़ें जो होती हैं गाड़ी में चेक करने वाली होती हैं और जेन्युइन में आप लोगों को मिलेगी। बाकी इस गाड़ी के टायर्स वगैरह भी आप लोगों को चेक करा दिए, टायर्स भी गाड़ी के न्यू हैं। बाकी इस गाड़ी का इंटीरियर है वो भी दिखाया था मैं आप भाइयों को। ओके तो इस गाड़ी का जो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंटीरियर दिखाया था, सील्स देख लें इस गाड़ी की, सील्स बाय सील्स आप लोगों को गाड़ी ये जेन्युइन मिलेगी। सीटें चेक कर लें इस गाड़ी की, सीटें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं, और ऑटो ट्रांसमिशन में है, 1.3 का इंजन है, गियर इस गाड़ी का ऑटो किया हुआ है, LCD पैनल वगैरह इस गाड़ी के अंदर लगी हुई है, और अपना जेन्युइन इंजन है इस गाड़ी का, बहुत कम माइलेज है इस गाड़ी की चली। आ जाते हैं इस गाड़ी के बैक साइड की तरफ, ये इस गाड़ी की बैक साइड की जो लाइट्स हैं वो भी देख लें, बैक साइड पे कैमरे का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। बाकी गाड़ी की पूरी डिटेल आप भाई को दे दिए, जितने भाई देख रहे हैं अगर किसी को गाड़ी बिल्कुल समझ में आ जाती है तो फिर आप लोग डायरेक्ट जो है ऑनर से रब्ता कर सकते हैं, और गाड़ी के जो है मज़ीद बात भी कर सकते हैं। बाकी इतने डोर नहीं खुला थे, सील बाई सील जेन्युइन है वैसे गाड़ी की, मशल से बिल्कुल साफ़ है, चड्डी की बोनट से वैसे ही गाड़ी जेन है, बाकी साइडों में से गाड़ी हल्की फुल्की टचअप कह सकते हैं। देख लें इस गाड़ी को, बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे देखते हैं हमें कौन कौन सी गाड़ी देखने को मिलती है, बाइक से शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सुजुकी कल्टस हमें देखने को मिली है, VXR i का वेरियंट है, जिसमें जो है आप लोग को जो
ये फाइव इंजन देखने को मिलेगा और गाड़ी माशा से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बाहर से कुछ पीस टचअप कह सकते हैं, फुल गाड़ी शावर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ, पूरी गाड़ी आप आएंगे से शेयर करते हैं। आ जाते हैं टायर्स की तरफ। तकरीबन इस गाड़ी के टायर जो हमें 60-70% तक गुड मिल रहे हैं, स्टेपिंग वाले टायर्स गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। और ये इस गाड़ी के जो है स्क्रीन है, स्क्रीन माशा से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी की जो है फ्रंट लाइट्स हैं, फ्रंट लाइट्स माशा से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। अरे वीडियो में साफ आ जाएगी, टेंशन नहीं लें। ये इस गाड़ी की जो है साइड लुक है, माशा से बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में मौजूद है। अभी गाड़ी जो लेके आए साफ वगैरह मैंने करने नहीं, मेरा वीडियो स्टार्ट कर दी है, बाकी गाड़ी माशा से साफ है। वैसे आ जाते हैं बैक साइड की तरफ, बैक साइड की लाइट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ब्लैक वेब जो है पेपर वगैरह इंस्टॉल्ड है लाइट से, देख सकते हैं दोनों लाइट्स पे। बैक साइड से कंडीशन कुछ इस तरह से है। और आ जाते हैं पैसेंजर साइड की लुक की तरफ, ये चेक कर सकते हैं इस गाड़ी का पैसेंजर साइड वाला एरिया, यहाँ से भी गाड़ी बिल्कुल साफ मिल रही है हमें देखने को। और आ जाते हैं इस गाड़ी की जो है इंटीरियर की तरफ, और सील्स चेक करें, डोर्स की बिल्कुल जेन्युइन देखने को मिलेगी, लेदर का वगैरह सीट्स पर लगी हुई हैं। ये फाइव इंजन में 2010 का मॉडल सुजुकी कल्टस। और ये इस गाड़ी का इंटीरियर है भाई, डैशबोर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं, सीट्स वगैरह पे देख सकते हैं, लेदर वगैरह लगी हुई है। फुटबेरी साइड भी चेक कर लें साथ साथ गाड़ी की। और आ जाते हैं इस गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, रूम भी इस गाड़ी का जो है आप भाई के साथ शेयर कर देते हैं। रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से है भाई, ये फाइव इंजन। जम साइड की मुखियाँ चेक कर लें, टिकली देख लें इस गाड़ी की, ये चेक कर लें इस गाड़ी का इंजन रूम। और सील्स वगैरह देख लें बोनट की, अंदर से गाड़ी का बोनट तो जेन्युइन मिल रहा है, बाकी देखने को बाहर से कह सकते हैं टचअप है। यहाँ जाते हैं ड्राइवर साइड के डोर की तरफ, यहाँ से सील्स वगैरह चेक कर लें, सील्स वगैरह सही मिलेंगी इस गाड़ी में। तकरीबन 72,000 किलोमीटर टोटल ये गाड़ी शो हो रही है। और पढ़ते हैं इस गाड़ी के ओनर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वाले सर क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी की? 10.5 लाख। 10.5 2010 का मॉडल है। पेपर में सर कंप्लीट है? कंप्लीट है। कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी नहीं में? सर हर चीज़ में ओके है गाड़ी। एसी वगैरह वर्किंग है ओके सर? ठीक। एवरेज क्या रहती है पर लीटर के हिसाब से सर? शहर के अंदर सिटी में तो तकरीबन 13-14 देगी, 14-15 भी देती है। ठीक है, अगर हाईवे पे चले जाएँ 2-3 किलोमीटर का फर्क आ जाएगा। फर्क आ जाएगा। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए। 0300-2362-157। क्या नाम है आपका सर? जीशान। जीशान भाई कहाँ की लोकेशन है? ये लोकेशन है हैदराबाद की। हैदराबाद की लोकेशन जी है जी। जीशान भाई गाड़ी अगर नहीं बिकी यहाँ पे तो हैदराबाद वापस जाएगी या कराची में ही मौजूद होगी? ये डिपेंड करता है, वैसे तो जाएगी हैदराबाद। हैदराबाद जाएगी। हैदराबाद में कहाँ की लोकेशन है? वहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर आटोबान रोड पर है, लतीफाबाद 7 नंबर ब्लॉक 7। लतीफाबाद ब्लॉक 7 की तरफ जी लोकेशन है हैदराबाद की। अगर बिलफर्ज गाड़ी अगर यहाँ पे सेल नहीं होती आप लोग भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्या पता ये गाड़ी आप लोग हैदराबाद में भी देखने को मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर जी, अस्सलाम वालेकुम जी। एक ज़बरदस्त हाईजेट हमें देखने को मिली है, नॉर्मल वाली। इसकी विंडो वगैरह जो है पावर नहीं होंगी, सादी होंगी। 13 का ये मॉडल है, 18 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है, और गाड़ी फर्स्ट टाइम शावर्ड है, वो भी कंपनी से इंश्योरेंस वाली गाड़ी है ये। तो गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है और वाइट कलर में है गाड़ी है। हाईजेट टायर्स की तरफ आ जाते हैं जी। टायर्स इस गाड़ी के अंदर जो है टोयोटा के एलआर में लगे और नॉर्मल स्टेबिलिंग वाले टायर लगे हुए हैं। तकरीबन कह सकते हैं यार 80% के आसपास टायर्स इस गाड़ी के जो है गुड कंडीशन में मौजूद है। आ जाते हैं इस गाड़ी के फ्रंट साइड की तरफ। फ्रंट साइड पे लाइट्स वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन हालत में हमें देखने को मिल रही हैं, कहीं से टूटी स्क्रैचेस नहीं है। ग्रिल साइड भी साफ़ है इस गाड़ी की, और सेकंड लाइट भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, हमें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है। ये इस गाड़ी की स्क्रीन है, आप लोग चेक कर सकते हैं, कहीं से टूटी हुई क्रैक वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। हाईजेट है ये 13-18 के रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में। ये इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला लुक है, ये चेक कर ले, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, कहीं से स्क्रैचेस नहीं है, जंग नहीं है, रस्ट नहीं है। अच्छा ये तो आप लोगों को ये भी थोड़ा सा मैं चेक करा दूँ, ये चीज़ें चेक करने वाली होती हैं, देख लें बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिलेंगी, जंग नहीं है, रस्टेड नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी। स्पेयर व्हील वगैरह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एक लगा हुआ है इस गाड़ी के नीचे, अक्सर लोग डिगी में रख देते हैं, कुछ लोग नीचे लगा देते हैं। ये इस गाड़ी की बैक साइड है, बैक साइड पर आ जाते हैं। बैक साइड की लाइट्स हमें साफ मिल रही हैं देखने को, बैक साइड की स्क्रीन भी हमें बिल्कुल साफ मिल रही है देखने को। हाईजेट है 13-18।
ये चेक कर रहे हैं इस गाड़ी की साइड लुक। अभी इस गाड़ी के जो है बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर से थोड़ा सा आप लोगों को अच्छी मिलने वाली है गाड़ी, क्योंकि इंटीरियर से इस गाड़ी को जो मॉडिफाइड किया हुआ है, सीटें वगैरह चेक कर सकते हैं, इस गाड़ी की छत वगैरह देख लें, बिल्कुल बोलान की भी जैसे बनती है इसकी सेम इसी तरह बनी हुई हैं। और एसी वगैरह वर्किंग है सर गाड़ी का? एसी वगैरह वर्किंग है इस गाड़ी का। 660 सीसी इंजन में गाड़ियाँ होती है। पेट्रोल एवरेज की बात करें तो पेट्रोल एवरेज इन गाड़ियों की बहुत अच्छी होती है, 17-18 के हिसाब से आपको पर लीटर में दे देंगी ये गाड़ियाँ। और ऑटो ट्रांसमिशन में होती हैं, इसमें दो आती हैं, एक इसमें जो है आप लोगों को पावर वाली विंडो मिल जाएगी, एक सादी मिल जाएगी, ये सादी वाली है। और एंड्रॉयड पैनल वगैरह लगा हुआ है 660 सीसी ऑटो ट्रांसमिशन में। इंजनों में इस गाड़ी का जो है गियर है तकरीबन 660 सीसी की एवरेज रहती है, 17-18 के हिसाब से रहती है पर लीटर के हिसाब से। और अभी बढ़ते हैं ओनर की तरफ और ओनर के साथ जो बात करते हैं इस गाड़ी की डिटेल वगैरह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी की आपने? 13 लाख रुपये डिमांड रखी। कितना चली हुई सर गाड़ी ये? 26,000 हाँ तकरीबन 22-27 हज़ार। बाईस हज़ार के आसपास को गाड़ी ये चली हुई है। और गाड़ी माशा से बिल्कुल साफ सुथरी, बाहर से गाड़ी जो है कंपनी से मेंटेन की हुई है, शावर कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्लियर है सर? हर चीज़ फर्स्ट ओनर गाड़ी। कोई सस्पेंशन में काम, इंजन में काम, हर चीज़ ओके है इस गाड़ी की। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0319-29-27-032। क्या नाम है आपका सर? जुबैर भाई। कहाँ की लोकेशन है? लांडी अस्पताल चौरंगी की। जुबैर भाई एक बार डिमांड रिपीट कर दीजिएगा, डिमांड इस गाड़ी की। 1270 13 की डिमांड है, मतलब 30,000 की लचक है इस गाड़ी में। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कॉल आए तो फिर अपने हिसाब से बैठ कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़बरदस्त कोरे हमें देखने को मिली है, डायट्ज़ कोरे 2000, ये 10 का ये मॉडल है। गाड़ी हल्की फुल्की टचअप कह सकते हैं, बाकी गाड़ी अभी जो है फ्रेश कंडीशन में खड़ी हुई है। तो आ जाते हैं इस गाड़ी के जो है टायर्स की तरफ। तकरीबन इस गाड़ी के टायर जो है 80% तक गुड मिल रहे हैं, अलॉय रिम लगे हुए हैं इस गाड़ी में। आ जाते हैं जी फ्रंट से। फ्रंट से लाइट्स हमें अच्छी देखने को मिल रही हैं, साफ मिल रही हैं देखने को। सेकंड लाइट भी चेक कर सकते हैं इस गाड़ी की। ग्रिल साइड भी इस गाड़ी की साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी का बोनट वाला एरिया है, यहाँ से भी अभी गाड़ी हमें साफ मिल रही है देखने को। स्क्रीन भी चेक कर सकते हैं इस गाड़ी की। अच्छा जी, तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के साइड लुक की तरफ। साइडों में से गाड़ी कुछ इस तरह से, चारों टायर इस गाड़ी की जो हमें सेम ही कंडीशन में देखने को मिलेंगे। टायर से कोरे है, 2010 का ये मॉडल है। आ जाते हैं इस गाड़ी की जो बैक साइड की तरफ से, यहाँ से लाइट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं भाई। लाइट्स भी हमें साफ मिल रही है देखने को, सेकंड लाइट भी साफ है। बैक साइड की स्क्रीन चेक कर सकते हैं, वो भी हमें बिल्कुल साफ मिल रही है देखने को। कहीं से गाड़ी में स्क्रेचेस नहीं है, फ्रेश लुक में खड़ी है गाड़ी। ये मॉडल 2010 का ये डायट्ज़ कोरे, और 850 सीसी इंजन में खोली सर, 850 सीसी इंजन में गाड़ी है। इसकी पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी रहती है, बनस्बत मेरान के। मेरान में जो है 8 सीसी इंजन कहते हैं कि लगा हुआ है। बाकी ये चेक कर सकते हैं इस गाड़ी की डोर्स की सील्स हैं, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। और आ जाते हैं इस गाड़ी के जो है फुटबेरी की तरफ, यहाँ से बिल्कुल साफ में मिले देखने को। ओरिजिनल सीट्स वगैरह हैं, कवर वगैरह सीट्स में नहीं लगी हुई, सील्स वगैरह चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन हालत में मौजूद हैं। इंटीरियर भी इस गाड़ी के ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद है। और बढ़ते हैं जी इंजनों की तरफ। तकरीबन कुछ 1,40,000 आसपास चली हुई है, और इंजनों भी छा सा चेक कर लेते हैं जी। ये इस गाड़ी का इंजनों में, इंजनों भी फ्रेश कंडीशन में मौजूद है। एसी वगैरह लगा हुआ है, सीएनजी वगैरह भी लगी हुई है इस गाड़ी के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में सीएनजी स्टार्ट नहीं है, सीएनजी में, क्योंकि पाइप वगैरह निकाला हुआ है इस गाड़ी का। बाकी इंजन से सही है, जेन्युइन कंडीशन में है, कहीं से मुझे एक्सीडेंट नज़र नहीं आ रही। फिर अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। सील्स वगैरह सही है, बोनट की फ्रंट से कोई हिट वगैरह नहीं है गाड़ी ये। बाकी बढ़ते हैं ओनर की तरफ और पूछ लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या है, कितने में देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी? 10.5 लाख। 10.5 लाख रुपये, 2010 का मॉडल है। पेपर में क्लियर है सर गाड़ी? पेपर में क्लियर है, सेकंड ओनर गाड़ी। टचअप की कंडीशन है वैसे गाड़ी की? टचअप हल्का फुल्का टचअप है। एसी वर्किंग है सर गाड़ी? एसी वर्किंग, एवरीथिंग इज वर्किंग। अच्छा, क्या एवरेज रहती है सर इसकी पर लीटर के हिसाब से? 14 के आसपास रहती है। ठीक है जी, तो नंबर अपना शेयर कर दीजिएगा। 0345-30-70-376। क्या नाम है आपका सर? जीशान। जीशान भाई कहाँ की लोकेशन है? लोकेशन नाजमाबाद। नाजमाबाद की। ठीक है जीशान भाई, बहुत शुक्रिया। तो जीशान भाई के पास गाड़ी मौजूद है, नाजमाबाद की लोकेशन है।
2010 की है, कोरे है और हल्की फुल्की टचअप में है, साइडें इस गाड़ी की टचअप कह सकते हैं। गाड़ी नो डाउट अच्छी कंडीशन में है, बाकी देखते हैं आगे कौन सी गाड़ी हमें देखने को मिलती है, प्राइस क्या है गाड़ियों की, सारी चीज़ें आप भाइयों के साथ जो शेयर करते रहेंगे। और ये गाड़ियाँ आज तक आ रही हैं मार्केट में, जिमनी वगैरह भी मिल सकती है आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी, ये चिंगान कारवां मिली है और 21 का ये मॉडल है, शादी वाला वेरिएंट है और एक होता है इसमें प्लस जिसमें पावर विंडो भी आप भाइयों को देखने को मिलती हैं। है ये ड्यूल एसी सिस्टम, बाकी इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो पावर है, इस गाड़ी की डोर्स हैं वो सादे हैं। गन मेटल कलर में गाड़ी ये मौजूद है और ओनर के कह रहे हैं कि यार जो गाड़ी परचेस करने आएगा फिर अपने हिसाब से गाड़ी को चेक कर ले, मुझे इस गाड़ी का नहीं पता गाड़ी कितनी जेन्युइन है, कितनी इस गाड़ी की जो है टचअप की कंडीशन है। अच्छा जी, तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ, टायर्स की तरफ आ जाते हैं। नॉर्मल स्टेपिंग वाले टायर जो है इस गाड़ी की कंपनी वाले चिंगान के जो होते हैं वो लगे हुए हैं, तकरीबन कह सकते हैं 70-60% के आसपास गुड हैं। ये इस गाड़ी की लाइट्स हैं, फ्रंट से आप लोग चेक कर सकते हैं, सपोर्ट गार्ड एक हमें देखने को मिल रहा है फ्रंट पे और सेकेंड लाइट भी इस गाड़ी की साफ़ है, फ्रंट से ग्रिल साइड भी देख सकते हैं साफ़ है। इस गाड़ी का बोनट वाला एरिया ये भी बिल्कुल साफ़ मिल रहा है हमें देखने को। स्क्रीन भी इस गाड़ी की सही है, कहीं सी टूटी हुई क्रेक वगैरह नहीं है। साइड लुक्स पे आ जाते हैं जी, साइड पे हल्की फुल्की जो है कलम करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, एक आधी जो है लाइन नज़र आ रही है हमें खराश वगैरह, बाकी साइडों में भी सपोर्ट गार्ड वगैरह लगे हुए हैं। थोड़ा सा डोर क्लोज करके दिखा देता हूँ, अभी आ जाते हैं जी इस गाड़ी के साइड लुक की तरफ। यहाँ से बिल्कुल साफ मिले में हल्की फुल्की खराशेज हैं, या आप लोगों को जो है कलम वगैरह करवानी पड़ेगी। 21 का मॉडल है चिंगान कारवां। अच्छा जी, तो ये चेक कर लें, इस गाड़ी की डिगी साइड है पूरी जेन्युइन में है और इंटीरियर तो इस गाड़ी का 100% जेन्युइन है, बाकी आउटसाइड से गाड़ी शायद या कुछ पीस टचअप हो, फिर भी अपने हिसाब से आप लोग गाड़ी को चेक कर लीजिएगा। लाइट्स चेक कर लें पीछे से भी, मतलब बैक साइड पर भी सपोर्ट गार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और पाना चेक वगैरह मौजूद है, स्पेयर व्हील वगैरह मौजूद है इस गाड़ी का। तो आ जाते हैं जी इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, यहाँ हमें जो है ड्यूल एसी सिस्टम मिल जाता है। एसी वर्किंग है सर इस गाड़ी का? ड्यूल एसी दोनों सिस्टम वर्किंग है, ठीक है जी। तो ड्यूल एसी सिस्टम है, टेकर अवेल है इसके अंदर, ठीक है। 2025 तक का टैक्स भी क्लियर है, टैक्स भी क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अच्छी, तो इस गाड़ी के अंदर ट्रेकर भी इंस्टॉल्ड है 25 तक का, उसका भी मतलब कि जो पेमेंट होती है वो क्लियर है, टैक्स भी इस गाड़ी का जो है 25 तक का क्लियर है। बाकी दरवाज़ों की सील्स वगैरह चेक कर लें, मेजर एक्सीडेंटल की गारंटी मिलेगी, कोई मतलब कि लगी हुई गाड़ी नहीं है कहीं से। बाकी इंटीरियर चेक कर लें, अभी बढ़ते हैं ऑनर की तरफ और पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या और कितने में देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर 21 का मॉडल है, 21 का मॉडल है, क्या डिमांड रखी है सर इस गाड़ी की आपने? 18.5 लाख रुपये रखी, 18.5 लाख, सादी गाड़ी है, 21 का एक प्लस आता है, सादा वाला वेरियंट आता है। अच्छा, इस गाड़ी की प्राइस में कुछ कमी पेशी हो जाएगी या फाइनल है ये? फाइनल है भाई, बिल्कुल फाइनल का प्राइस है, ठीक है जी। कोई ऑफर नहीं चल सकती मतलब किसी की, या 10-20 हज़ार की हो जाए तो हो जाए, थोड़ा बहुत ही होता है भाई, इतनी नहीं ऑफर, ठीक है सर जी। और पेपर में क्लियर है सर गाड़ी? गारंटी, टैक्स वगैरह सब क्लियर है इस गाड़ी का? कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज? ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिए। मेरा नंबर है 0300-36-505-99। नाम सर आपका? शकील नाम है। शकील भाई लोकेशन कहाँ की है? मेरी लोकेशन है शाह फैसल कॉलोनी की लोकेशन, ठीक है शकील भाई, बहुत शुक्रिया। अगर हमारे चैनल के थ्रू आपके पास कोई बंदा कॉल करता फिर अपने हिसाब से गाइड कर लीजिएगा, बाकी पूरी डिटेल ऐड कर दीजिए, शुक्रिया। 2019 का मॉडल है ये, वाइट कलर में गाड़ी मौजूद है, गाड़ी मशीन से बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इस गाड़ी में सिर्फ एक साइड से हल्का सा टचअप है, वो सिर्फ सूखा डेंट निकला हुआ, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, बाकी इसके अलावा टोटल की टोटल गाड़ी आप लोगों को ये चेनमन देखने को मिलेगी। जितने भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे अल्टो 660 cc को नया वाला मॉडल ऐड करें तो ये गाड़ी चेक कर सकते हैं। तो ये इस गाड़ी के टायर्स हैं, उन्होंने स्टेपनी वाले टायर्स इस गाड़ी के अंदर सुजुकी के इंस्टॉल हैं, तकरीबन कह सकते हैं 80% के आसपास टायर्स इस गाड़ी की जो है गुड कंडीशन में हमें देखने को मिल रहे हैं। लाइट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, इस गाड़ी की लाइट्स बिल्कुल साफ़ है और फ्रंट वाली ग्रिल साइड भी चेक कर लें, इस गाड़ी की सेकंड लाइट भी देख लें, बाकी हल्का सा यहाँ से जो है बम्पर थोड़ा सा सेटिंग्स आउट है ये आप करवा सकते हैं, इतना कोई मेजर खर्चा नहीं होता इसका। अच्छा जी, तो ये इस गाड़ी की जो है स्क्रीन है, स्क्रीन मशीन से बिल्कुल साफ की कंडीशन में देखने को मिल रही है, बोनट से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। 660 cc में 2019 का ये मॉडल है, सुजुकी अल्टो VXR के वेरिएंट में। इस गाड़ी का सिर्फ एक सूखा डेंट निकला था, इसके अलावा पूरी गाड़ी ये जेन्युइन है। और गाड़ी की ये बात बता दूँ मैं आप लोगों को, ये जिसकी गाड़ी है वही खुद सेल करने आए हैं यहाँ पर, मतलब कि कोई ब्रोकर वगैरह नहीं है। बैक साइड पर गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बैक कैमरे का ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, डिग्गी से बिल्कुल साफ है गाड़ी और यहाँ से जो है सूखा सा डेंट निकला हुआ है दरवाजे का, इसके अलावा पूरी की पूरी गाड़ी है जर्मन है। आ जाते हैं जी इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर भी शेयर करा जाते हैं। ये इस गाड़ी के सील्स हैं और फुटवेयर साइड देख लें, सीट्स वगैरह देख लें, इस गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं।
आ जाते हैं जी फ्रंट साइड पे, यहाँ से चेक कर लें जी इस गाड़ी के डोर्स। 2019 का ये मॉडल है सुजुकी अल्टो। आ जाते हैं जी इस गाड़ी के इंजन रूम की तरफ। ये इस गाड़ी का इंजन रूम 660 सीसी इंजन में ये गाड़ी, और कोई वॉश वगैरह नहीं करवा के आया। इंजन रूम बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है, जैसे कि था घर में यूज़ करता है बंदा उसी हिसाब से लेके आ गए हैं। मतलब कि इसमें सर्विस वगैरह नहीं करवाई और कोई डीजल वगैरह नहीं लगवाया, बिल्कुल जेन्युइन लाते हैं इंजन रूम में इस गाड़ी का, अभी सर्विस वगैरह नहीं करवा के आए हैं। बाकी आ जाते हैं थोड़ा सा ड्राइवर साइड की तरफ से, यहाँ से मैं आप लोग गाड़ी विज़िट करा देता हूँ। यहाँ से देख लें इस गाड़ी के सील्स, हैंडल वाले इस गाड़ी में डोर मिलेंगे क्योंकि VXR का वेरिएंट है, VXL का वेरिएंट होता है, तो इस गाड़ी में जो है डोर्स आप लोगों को जो है पावर मिल जाते हैं। ये बढ़ते हैं ओनर की तरफ, पूछते हैं इस गाड़ी की प्राइस क्या और कितने में देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या डिमांड रखी इस गाड़ी की आपने? 21.5 लाख। 21.5 2019 का मॉडल है सर गाड़ी, पूरी जेन्युइन है। 2019 का मॉडल है जी, पूरी जेन्युइन है सर गाड़ी, पूरी जेन्युइन है। आगे से सुखा डेंट निकला हुआ है, पीछे टायर के नीचे हल्का सा जंग है, हाँ, और उसके अलावा गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में है। ठीक है, कितना चली हुई सर गाड़ी है? 37,000 किलोमीटर की इस गाड़ी की जेन्युइन माइलेज है। और कोई काम सस्पेंशन इंजन वाइज गाड़ी में? कोई काम नहीं है, पेपर में क्लियर है। ये बम्पर ओएस है, बस ये दिखा दिया आउट हुआ है, आउट हुआ है, छोटा मोटा काम है, शायद मैं करा भी लूं तब तक। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 03212188771 नाम सर आपका? फरहान जावेद नाम है। आपके तवस्सु से कोई आएगा तो डिस्काउंट भी कर दूंगा, मेरे अपने जाती नाम पे गाड़ी है। ठीक है सर जी, मैंने वो बता दिया वीडियो में। फरहान भाई लोकेशन कहाँ की है? ब्लॉक 13 फेडलवी एरिया। ठीक है फरहान भाई, बहुत शुक्रिया। डिमांड रिपीट कर दीजिए। 21.5 लाख। 21.5 लाख की डिमांड है। फरहान भाई के पास गाड़ी मौजूद है, फर्स्ट ओनर पे गाड़ी, अपने नाम पे है गाड़ी, और गाड़ी में सिर्फ एक पीस हल्का मतलब के सूखा डेंट निकला हुआ है। इसके अलावा गाड़ी में कोई भी कहीं से मेजर काम नहीं है, बाकी हल्का सा ये निकला, ये भी करवा के दे देंगे काम, इसमें कोई मेजर नहीं है। और गाड़ी माशा से अच्छी कंडीशन में, 2019 का मॉडल सुजुकी अल्टो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, एक ज़बरदस्त गाड़ी हमें देखने को मिली है, और नाम तो सुजुकी कंपनी का आ रहा है, जिमी लिखा हुआ है, बाकी पूछ लेंगे बाकी डिटेल वगैरह। गाड़ी हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन में मिल जाएगी, गाड़ी कंडीशन की आउटसाइड की टचअप कह सकते हैं, गाड़ी फुल शावर तो नज़र नहीं आ रही, फिर भी ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या गाड़ी की वो आप बाइंग साथ शेयर कर देंगे डिटेल के साथ। अच्छा ही, तो टायर्स की बात करें तो लॉयर में हमें देखने को मिल रहे हैं तकरीबन कह सकते हैं यार 60% के आसपास टायर्स इस गाड़ी की गुड कंडीशन में मौजूद हैं। ये इस गाड़ी की जो है विंड स्क्रीन है इतनी साफ है, बोनट से भी गाड़ी माशा से बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ये इस गाड़ी की फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का भी जो है स्पोर्ट गार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लाइट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, दोनों लाइट्स इस गाड़ी की बिल्कुल साफ हैं, फ्रंट वाली एक्स्ट्रा लाइट्स हैं वो भी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में देखने को मिल रही है हमें। आ जाते हैं इस गाड़ी के साइड लुक की तरफ, ये इस गाड़ी के साइड लुक है, यहाँ से गाड़ी बिल्कुल साफ मिले, कहीं से स्क्रैचेस नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी तंजीम कंडीशन में मौजूद है। टायर्स इस गाड़ी के चारों सेम ही कंडीशन में देखने को मिलेंगे आप भाइयों को। बैक साइड पर एक स्पेयर व्हील वगैरह जो है वो लगा हुआ है इस गाड़ी में, और ऑफ रोड के हिसाब से अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो फिर ये गाड़ी देख लें, जो शौकिया तौर पर गाड़ी रखना चाहते हैं लोग। बाकी ये इस गाड़ी की जो है सील्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल साफ है। इंटीरियर की तरफ से आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है हमें जो एंड्रॉयड पैनल देखने को मिल रहा है, सीट्स वगैरह देख सकते हैं इस गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। बाकी इस गाड़ी का जो है इंजन रूम चेक कराए थे, इंजन रूम खोले सर, छो वाला ओहे ओहे बोनट इस गाड़ी का फिलहाल भाई बोल रहे हैं ओपन नहीं हो रहा। घने सी सी इंजन था सदा 1300 सी सी इंजन था, मैनुअल ट्रांसमिशन में 5 इंजन था। अच्छा जी, छा डिमांड है इन गाड़ी जी का? 12.5 लाख रुपये। कहो मॉडल आ? 87 मॉडल। कंपनी सुजुकी जी आ गाड़ी है, सॉफ्ट रोड 87 मॉडल, 4x4 एक्टिवा, 1300 सी सी, एसी गाड़ी मेन में, पेपर में क्लियर है गाड़ी सर, 12 जी कंडीशन छा है गाड़ी, टचअप में आ, शावर में आ, बाकी इंटीरियर जी जेन्युइन में है गाड़ी। ठीक है, पांच नंबर शेयर क्यों दोबारा बताइए नंबर। 0342-8289-646 नालो दा कहाँ कहाँ लोकेशन आदा? डिफेंस क्लिफ्टन जी लोकेशन है। ठीक है, अदा तुम नालो नज़ीर अहमद बाबू जो नालो है। ज़बरदस्त गाड़ी आ, गाड़ी शामिल करे छिया भाई जी, और नंबर वगैरह एड करे छिया। शानी ब्लॉग जे नाले से जो चैनल आ, यूट्यूब ते भी आ या फेसबुक ते भी आ, बिना तरफों अगर कॉल अच्छे तो पांच हिसाब से तुम गाइड कजो। ठीक है दा, ठीक है दा, सब्सक्राइब करे छो दा, बड़ी मेहरबानी। डिमांड बुधा एक बार फिर, 12.5 कुछ कमी पेशी थी गुंजाइश थी? ठीक है, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। एक मिनट सर,
ओके, तो आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद है। वीडियो पसंद है यार लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे का और नई वीडियो के साथ। तब तक अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।